1793 में आज ही के दिन पेरिस में लूव्र संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था। लूव्र संग्रहालय को एक दिन में देख पाना संभव नहीं है। हर वर्ष करीब 1 करोड़ दर्शक फ्रांस की राजधानी पेरिस में लूव्र देखने आते हैं। इस संग्रहालय में मोनालिसा की तस्वीर है जो लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं शताब्दी में बनाई थी, दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। पश्चिमी देशों की कला के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी संग्रहालय में मिलती है। 12वीं शताब्दी में लूव्र एक दुर्ग था। धीरे धीरे कमरों का निर्माण शुरू किया गया और 17वीं शताब्दी तक इस इमारत ने बड़े से महल का आकार ले लिया। पहले तो आए दिन यहाँ से तस्वीरों की चोरी हो जाती थी, यहाँ तक कि मोनालिसा को भी किसी ने संग्रहालय से चुरा लिया था। फिर लूव्र के सामने शीशे का एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाया गया जो अब इस संग्रहालय की पहचान बन गया है। इसके अलावा यहाँ मिस्र, ग्रीक और इस्लामी संस्कृति की बहुत सारी वस्तुएं प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। 1977 में आज ही के दिन ब्रिटेन की महारानी ने आयरलैंड की यात्रा की थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 11 वर्ष बाद उत्तरी आयरलैंड की यात्रा पर आई थी। इस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरे पर 32,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जो महारानी की सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला सबसे बड़ा बल था। महारानी जब बेलफास्ट पहुंची तो उनके सम्मान में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। हालांकि महारानी शहर में नहीं गई क्योंकि उनकी यात्रा को लेकर जनता में दो तरह की राय थी। ब्रिटेन का समर्थन करने वाले लोगों ने ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक निकालकर फहराया हुआ था, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन का विरोध कर रही IRA ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि वो महारानी का ऐसा स्वागत करेंगे जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 1990 में आज ही के दिन 15 महीने की यात्रा के बाद मैगेलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर पहुंचा था। शुक्र पर उतरने से पहले कुछ देर तक के लिए इसका संपर्क कैलिफोर्निया स्थित संचालन केंद्र से टूट गया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि मैगेलन पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद ग्रह के बारे में बहुत से रहस्य उजागर करेगा। उन्हें लगता था कि वहां जीवन होने के कोई संकेत नहीं है। शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, उसे घेरे रखने वाला पीला बादल सल्फ्यूरिक एसिड है और सतह इतनी गर्म है कि शीशे को भी पिघला दे। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तापमान के इतने ज्यादा होने की वजह ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं है। और 10 अगस्त डेंगू निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेंगू डेन वायरस से फैलता है। ये 4 प्रकार का होता है, DEN 1, DEN 2, DEN 3 और DEN 4। यह फ्लैवी वायरस गढ़ और फ्लैवी विराइड परिवार का होता है। मलेरिया की तरह डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू सभी मच्छरों से नहीं फैलता, केवल कुछ जाति के मच्छर ही से फैलता है। डेंगू की जांच हेतु रक्त के नमूने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय विषाणु रोग संस्थान पुणे भेजे जाते हैं, वहीं उनकी जांच होती है। आजकल जांच के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी उपलब्ध है।